है। अब मेरी बात सुन, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है टू कैलकुलेट व्हाट, शॉर्ट फॉर्म लिख दो, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है टू कैलकुलेट व्हाट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है टू कैलकुलेट व्हाट। अबे क्वेश्चन नंबर 13 वगैरह में किया तो था। हाँ एग्जैक्टली यार, बताओ वो ओपनिंग कैपिटल, ओसी, ठीक है ओपनिंग कैपिटल, नाइस नाइस। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है टू कैलकुलेट व्हाट, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है टू कैलकुलेट व्हाट, सीसी, बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में सीसी तो था, उसके साथ दो चीजें माइनस थी और एक चीज प्लस थी। वो जो एक चीज प्लस थी वो क्या थी, वो जो एक चीज जो आप प्लस कर रहे थे वो क्या चीज थी जिसको आप प्लस कर रहे थे, तो बताओ। ओ डेटर्स जबनूर, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, नाइस ड्रॉइंग्स, ठीक है। उसके अलावा फिर दो चीजें आपकी माइनस हो रही थी, एक ओपनिंग कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल, बहुत सिंपल सी बात। अब एक काम करो, आज हम लोग ना क्लास में सिर्फ करेंगे 3 क्वेश्चन और फिर हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, मतलब घर में ही हूँ, फिर हम लोग मीटिंग बंद कर देंगे, ये मतलब था, ठीक है। तो एक बार जरा क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा खुलवाए, क्वेश्चन नंबर 11 खोलो, जरा 11th क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन नंबर 11 एवरीबॉडी। ओके अब 11th क्वेश्चन में, हाँ भाई जल्दी लेके आ, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन में आपको एक ओपनिंग डेटा दिख रहा होगा और आपको क्लोजिंग डेटा दिख रहा होगा, आपको पता है ओपनिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये सब बन जाए। लेकिन हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, पहली बात तो नेक्स्ट पेज में आपको ओपनिंग डेटा नहीं है, क्लोजिंग डेटा गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। नीचे दे रखा है ही ड्रू ₹500, कोई दिक्कत वाली बात, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, सिंगल एंट्री का चैप्टर है, एडजस्टमेंट भी एक जगह जाएंगी दो जगह जाएंगी, सिंगल एंट्री का चैप्टर है, सारी चीजें एक जगह जाएंगी दो जगह जाएंगी, जल्दी बताओ। सिंगल एंट्री का चैप्टर का नाम है, सारी से एक जगह जाएंगी दो जगह जाएंगी, बताओ भाई। सोहम और जपनूर का आंसर आया बस क्वेश्चन, अबे सोहम क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बताओ दोस्तों। सिंगल एंट्री का चैप्टर है, सारी चीजें एक जगह जाएंगी दो जगह जाएंगी, सब एक तो पहली बार सब मुझे डीएम कर रहे हैं तो दूसरों को लग रहा होगा कि भाई कोई जवाब ही नहीं देता, तो बोलो यार एक जगह जाएंगे, ठीक है एक जगह जाएंगे। अब सवाल है, सवाल है, डेप्रिशिएट फर्नीचर पर 10% दे रखा है आपको, इसको आप कहाँ एडजस्ट करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में या क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, ओ में या सी में, इसको आप कहाँ एडजस्ट करेंगे, ओ में या सी में, जल्दी बताओ 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 बता, 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 एवरीबॉडी जल्दी बताओ, ओ में करोगे या सी में करोगे। सी, क्लोजिंग में करेंगे, परफेक्ट आंसर। क्योंकि सुनो ओपनिंग में तो पिछले साल हो गया होगा ना, तो हमें एडजस्टमेंट कहां पर करनी है, क्लोजिंग में। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, पर यस बोल दो, इज इट क्लियर एवरीबॉडी। पेज नंबर तो बता दो भाई, 157 है यार, 157 है भाई प्रथम, ठीक है ओके। और उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है 10%, ये भी क्लोजिंग में बनेगा। तो यार तरीके से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो और प्लीज प्रेजेंटेशन पर फोकस करो, मतलब मेरे करने से कोई फायदा नहीं है, जस्ट स्टार्ट योर क्वेश्चन जल्दी दोस्तों, एवरीबॉडी क्वेश्चन में ले, जस्ट डू इट। क्वेश्चन 11, जस्ट डू इट एंड प्लीज वेरीफाई द आंसर विद मी। आप लोग चाहे तो एक एक करके भी कर सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, ये सब भी आप मेरे से वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, जो बच्चा लेट आया, जैसे अथर तो लेट आया है, और उसके अलावा अगर और कोई एक बार दोबारा रिपीट कराना चाहो तो एक बार येस लिख दो, कितने बच्चे चाहते हैं एक बार रिपीट कर दो, एक बार येस लिख दो, पूरा क्वेश्चन को रिपीट कर दो, बाकी बच्चे करते रहो अपना क्वेश्चन। अथर तेरा ऑब्वियस था बेटा, उसके अलावा और कोई, अथर के अलावा और कोई, अथर जल्दी से बुक निकाल, क्वेश्चन नंबर 11 खोल, खोलने के बाद यस लिख दी,
क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 157 सिंगल एंट्री पेज नंबर 157 क्वेश्चन नंबर 11 अथर यस भी लिखना है बेटा जल्दी करो भाई बाकी सारे देखिए इसमें क्या है कि एक मेरे पास ओपनिंग डेटा गिवन है ये रहा ओपनिंग डेटा एक मेरे पास क्लोजिंग डेटा गिवन है ओपनिंग डेटा से तू ओपनिंग स्टेट ऑफ एस बनाएगा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेगा क्लोजिंग डेटा से क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ एस बनाएगा उससे तेरा क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा ठीक है सब पॉइंट ये है कि यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट पेज जब तू जाएगा डेप्रिशिएट फर्नीचर पर 10% दे रखा है तो सवाल है कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ एस में माइनस करेगा या क्लोजिंग एक बार तो गैस करना चाहेगा था ओपनिंग में करेगा या क्लोजिंग में करेगा उसको कहाँ पे डेप्रिशिएट करना है जो फर्नीचर तो फर्नीचर कौन से वाले पे करना चाहिए गलत जवाब दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जवाब तो दे क्लोजिंग में करेगा एग्जैक्टली ठीक है क्लोजिंग में ही ये क्लोजिंग में ही जाएगा क्योंकि ओपनिंग में तो पिछले साल हो चुका होगा तो क्लोजिंग में तो एडजस्ट करेगा ठीक है स्टार्ट कर दे बेटा क्वेश्चन मतलब सब कुछ क्लोजिंग में एडजस्टमेंट क्लोजिंग में जाएगा ठीक है सर सोहम आपका एकदम सही है ओपनिंग कैपिटल आपका एकदम सही है कंटिन्यू करो बेटा देर इज नो नीड कि आप मुझसे हर चीज क्लैरिफाई करें दोस्तों जैसे सोहम ने तो मुझसे कर लिया अगर आपको करना है तो जल्दी दोस्तों क्योंकि मैं अगर करूंगा इसका कोई सेंस नहीं बनेगा बहुत आसान है जैसे करते थे तरीके से मतलब जैसे फर्नीचर 200 इनर कॉलम में जाएगा माइनस डेप्रिसिएशन 20 रुपए 180 आउटर कॉलम में जाएगा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे करते थे ठीक है करो अच्छे से करो जल्दी करिए दोस्तों प्लीज आंसर वेरीफाई करना चाहो तो आंसर वेरीफाई कर सकते हो मेरे साथ तो क्या रहेगा ना कि सर ओपनिंग में तो एडजस्टमेंट नहीं होती ना नहीं होती अंश एडजस्टमेंट सिर्फ क्लोजिंग क्लोजिंग में जाती है बेटा ओपनिंग में एडजस्टमेंट नहीं होती ठीक है अंश जल्दी करिए एवरीबॉडी ओपनिंग कैपिटल 5 to 5 रिद्धिमा कहीं गलती जा रही बट एक बार एवरीबॉडी एक बार ओपनिंग कैपिटल बता सकते हो अच्छा इतना बता ओपनिंग कैपिटल एक बार बताना सर कितना आ रहा है एवरीबॉडी दो तीन बच्चे बता दो कोई भी रैंडम थी डीएम ही कर दो मुझे 3500 आ रहा है शायद मेरे हिसाब से 3500 है भाई ये गलत कर दोगे तो बेटे फिर तो दिक्कत है 3500 है बेटा 3500 है बेटा टोटल वोटल नहीं पता मुझे रिद्धिमा टोटल नहीं पता मुझे भाई टोटल टोटल का मत पूछो मुझसे टोटल थोड़ा याद रखूंगा बेटा कृतिका आपका गलत है अक्षरा आपका भी गलत है प्लीज चेक इट हाँ टोटल एक बच्चे ने मुझे कंफर्म करा है 5 to 5 0 ही है लेकिन प्लीज मेरे से टोटल मत पूछो भाई टोटल बड़ी दिक्कत है उससे ओपनिंग क्लोजिंग पूछ लो टोटल थोड़ा याद रखूंगा ओपनिंग कैपिटल 3500 है अक्षरा कहां पर गलती थी कृतिका कहां पर गलती थी बेटे जल्दी बता दो कृतिका अक्षरा गलती मिली बेटा
कृतिका एंड अक्षरा, गलती मिली बेटा। एक मिनट सर, ये नेक्स्ट पेज पे जो भी है बेटा जी, वो क्लोजिंग का है ना, मतलब वो तो आगे दे रखा है ना कृतिका, वो तो मतलब वो बाद में दे रखा है, तो वो क्लोजिंग का है, ठीक है? तो मतलब वो, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन समझ गई ना कृतिका, वो सब क्लोजिंग वालों का है बेटा। सर कैश को 150 की जगह 1750, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार प्लीज कोई मुझे क्लोजिंग का भी बता सकता है? विदिका एक मिनट रुक जाओ बेटा, अभी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ विदिका, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बेटा विदिका, एक मिनट रुक जाओ बेटा, आई विल असिस्ट यू 100%, एक मिनट रुक जाओ बेटा बस बेटा। एनीवन प्लीज मुझे क्लोजिंग कैपिटल बता दो कितना आ रहा है, एनीबॉडी क्लोजिंग कैपिटल प्लीज। गाइज यू नीड टू डू इट यार, इफ आई विल बी सॉल्विंग इन देयर इज नो फन। क्लोजिंग कैपिटल एनीबॉडी? अरे डीएम ही कर दो भाई मुझे, मैं बता बेइज्जती नहीं करूंगा। वेदिका तब तक बेटा आप बुक निकाल लो, पेज नंबर 157 खोल लो, मैं आपको बताता हूँ। एक बार करने का, एक बार यस लिख देना, बुक खोल लो पेज नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 11, 4 मिनट्स, ठीक है सुनो, 4 मिनट्स, इतनी देर में तुम्हें बता दूँ। यस यार मेरी का बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये तुम्हारे पास एक ओपनिंग डेटा है, क्लोजिंग डेटा है, ओपनिंग डेटा से आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा, क्लोजिंग डेटा से आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। अगर आप नेक्स्ट पेज में टर्न करो, वहां पर दे रखा है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% और आपको रिजर्व्स वगैरह बनाने हैं 10% का। बस क्लियर कट सी बात ये है कि जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होती है, ठीक है? ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, सिर्फ क्लोजिंग में होती है। गॉट इट? तो एक बार यस लिख दो यार, जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो आपके क्लोजिंग में होंगी, दैट्स यस। प्लीज स्टार्ट द क्वेश्चन। भाई रिद्धिमा बहुत देर से बता के बैठी है भाई, बता दो यार आंसर, या मुझे करना पड़ेगा? कितना काम कराते हैं बच्चे मुझसे। अच्छा चलो ठीक क्या नाम है रिद्धिमा, तुम्हारा सही था बेटा, आपका सही है रिद्धिमा। दोस्तों एनीबॉडी प्लीज, क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है प्लीज कंफर्म कर दूंगा मैं, एक बार बता दीजिए। सही जवाब आपका, वेरी गुड रिद्धिमा, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। जब नूर सही जवाब, भाई स्वस्तिक जल्दी कर यार। ओके सो एक मिनट भाई, अब बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। वंशिका आपने क्लोजिंग कैपिटल बोला है ना, अगर क्लोजिंग कैपिटल बोला है तो वो सही है आपका, कृतिका आपका सही है, सोहम तेरा गलत है, जपनूर आपका सही है, ठीक
हाँ वंशिका आपका सही है, प्लीज कंटिन्यू। रिद्धिमा 13 हो गया बेटा, 17 करिए जल्दी करिए दोस्तों। विदुषी हो रहा है बेटा, विनीत हो रहा है, कौन भाग गया? ठीक है, पता नहीं क्या। मृदुल भाई अभी तक जवाब ही नहीं आया तेरा कोई। चार जवाब और आ गए। ओसी कितना है बेटा जी? आप मुझे बताइए, मैं कंफर्म करूंगा। अक्षत तुम मुझे बताओ, मैं कंफर्म करूंगा। ठीक है ठीक है, जल्दी करो। स्वास्थ्य ये तेरा क्या आ रहा है, जो तूने अभी आंसर भेजा है मुझे, वो क्या आ रहा है तेरा? अक्षत नहीं, 3,500 है ओसी। स्वास्तिक तूने जो मुझे सेंड किया है वो क्या है बेटा? सीसी सही जवाब है तेरा स्वास्तिक। प्लीज कंटिन्यू विद द क्वेश्चन बेटा। मैं इंडिविजुअली नाम थोड़ी ना बोलूंगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई, बहुत टाइम लगा दिया। अनुष्का अभी तक आपका नहीं हुआ बेटा, अनुष्का ने तो जवाब दिया था। चलो चलो जल्दी करो बेटा। मृदुल सीसी तेरा गलत आ रहा है, मृदुल बहुत गलत आ रहा है तेरा। कृतिका आपका एकदम सही है। मृदुल प्लीज मुझे ओसी और सीसी दोनों बता। ओसी सीसी तेरा बहुत गलत आ रहा है। अगले पेज में भी दो तीन चीजें हैं मृदुल, अगले पेज में भी दो तीन चीजें हैं। ठीक है, शायद तूने वो मिस कर दिया। स्वास्थ्य के एकदम सही जवाब। मृदुल ओपनिंग कैपिटल तेरा सही आ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल शायद तूने पीछे की तीन चीजें मिस कर दी, प्लीज उसको कंसिडर कर। नहीं अक्षत गलत जवाब, बहुत ड्रास्टिकली गलत जवाब बेटा। 5,000 में कुछ आ रहा है क्लोजिंग, तेरा 7,000 में आ रहा है, वो बहुत गलत है। लोन और क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज में डालना है, बाकी सब कुछ तेरे एसेट्स में आएंगे। जल्दी करो यार। सोहम सही जवाब। समदेशो बेटा अभी तक जवाब बाब नहीं आया आपका। श्रेया अभी तक आपका आंसर नहीं आया बेटा। अनुष्का आपका आंसर नहीं आया है। कौन? अरे होने वाला है। ओके समदेशो, वेदिका जल्दी से बेटा, विदुषी जल्दी से क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ, विनीत जल्दी से आंसर बता भाई। कुछ भी नहीं है बेटा, मैं अगर एक आसान सा क्वेश्चन कर दूंगा तो फिर आपके पास मुश्किल क्वेश्चन बचेंगे। दैट्स व्हाई आई वांट यू टू सॉल्व एवरीथिंग योरसेल्फ। कम ऑन दोस्तों एवरीबॉडी, कम ऑन, जस्ट डू इट बेटा। अनुष्का कहाँ गई बेटा, तो आई भी हो गई। अक्षरा बिल्कुल सही जवाब आपका। त्यागी जल्दी से भाई, आंसर आंसर चाहिए मुझे। अर्पित आंसर बता बेटा। सर एक डाउट है एडजस्टमेंट चैप्टर का, स्वास्थ्य क्या, वो तू वहां पर बता, पूछ लियो बेटा मुझसे, डाउट नंबर पे पूछ लियो। तू एक काम कर, तू मुझे वो बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, 13 का 17 करना। सुन 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 स्वास्थ्य, तू यहीं पर ना मुझे वो क्वेश्चन पूछ ले जो तेरे को पूछना है। जब बच्चे कर रहे होंगे तो मैं तेरे को एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी है तो पूछ ही लेते हैं, जल्दी कर ले। क्या बोल रहा है तू मृदुल, गलत जवाब। मृदुल सुन मेरी बात, क्या क्या कर रहा है भाई? ठीक है, स्वास्थ्य के अंदर मीन वाइल तू टाइप करते जा, क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्नीचर है तेरा 180, स्टॉक है 3,050। सोम सही जवाब तेरा। डेटर्स है तेरा 3,400 माइनस 340, 3,060, 3,060। कैश है 200, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में 1,900। तू भी सुन ले एक बार अक्षत। बी आर तेरा एसेट्स में आ जाएगा 300, लोन तेरा आ जाएगा लाइबिलिटीज में 500, और इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आएंगे 1,000। प्लस माइनस कर यार, 5,390 आ रहा है। क्या कर रहा है मृदुल भाई? स्वास्थ्य जल्दी से पॉइंट पूछ ले बेटा, आई विल एक्सप्लेन इट। 340 को 304 लिख गया, तू गधा है ना तू?
चलो विनीत और माही शायद आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन आपको कुछ मिस नहीं हुआ बेटा, जल्दी करिए। शाबाश सुप्रिया, जल्दी से आंसर चाहिए बेटा मुझे। यू गाइस आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम दोस्तों, एग्जाम ऑफलाइन ही है, एग्जाम में टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में बेटा, इतने चिल्लड़ चिल्लड़ क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम बनेगा। कंपनी का एडजस्टमेंट दी है कि सैलरी टू शुगो 15,000 पर एनम, ठीक है। स्वास्थ्य इसके आगे, स्वास्थ्य इसमें ना दो चार चीजें मिसिंग है, ये पहली बात कितनी सैलरी उसको पे कर रखी है, वो सारी चीजें मिसिंग है, तो मैं इसीलिए मैंने कहा था, मुझे लगा वो टॉपिक है जो तेरे को समझना है, तो तू एक काम कर इसके लिए तू मुझसे डाउट नंबर पे पूछ ले, मुझे वो फोटो क्लिक करके सेंड करियो वो जो पार्ट है, जैसे तूने ही शायद अभी कुछ दिन पहले, हाँ तू मुझे क्वेश्चन भेज दे, अभी तो डाउट नंबर मैं देखता हूँ, ठीक है मैं तेरे को बता दूंगा वो। अनुष्का सही जवाब, अनुष्का बहुत टाइम लगाया बेटा, यू नीड टू रियलाइज बहुत टाइम लगाया, ठीक है जल्दी कर बेटा, यू आर गुड स्टूडेंट, प्लीज जल्दी करो, ठीक है। 13 के बाद 17 दोस्त, ठीक है। तो मैं तेरे को वहीं पर वॉइस नोट वगैरह मैं तेरे को सेंड कर दूंगा, ठीक है भाई। वंशिका कौन से सवाल, आप 17 की बात कर रहे हो ना वंशिका, यस 17 का वो सही आ रहा है आपका, वो का उसी सही जवाब रिद्धिमा, यस स्वस्तिक भेज दियो जरूर, ठीक है शर्माइयो मत, भेज दियो। वंशिका एंड रिद्धिमा आप दोनों का एकदम सही जा रहा है, जल्दी करिए बेटा। कौन भाग रहा है भाई बार बार, कमॉन दोस्तों, जल्दी करिए बेटा। ग्यारह के बाद 13, नहीं, ओए यार 13 तो हम कर चुके हैं, 11 के बाद 17 है भाई, 11 के बाद 17 है, 13 तो हम कर चुके, गलती से मैंने 13 लिख दिया था, 11 के बाद 17 है। चलो चलो जल्दी खत्म करो बेटा, जल्दी करो एवरीबॉडी। एक मिनट भाई, एक मिनट, बहुत सारे आंसर आ गए हैं। क्लोजिंग कैपिटल सॉल्व, हाँ सही जवाब रिद्धिमा, क्लोजिंग कैपिटल यही है आपका, ओसी और सीसी, सही जवाब वेदिका, जस्ट फाइंड आउट प्रॉफिट्स बेटा नाउ। सोहम ओसी तेरा गलत आ रहा है, समदिशा सही जवाब, बट समदिशा आपने बहुत टाइम लगा दिया बेटा, ठीक है आपका सही जवाब था लेकिन। सर मैं आ रहा हूँ मीटिंग में, हाँ हाँ भाई तू आ रहा है मीटिंग में, विनीत तू है मीटिंग में, विनीत तू है, तू कहाँ है मीटिंग में, नहीं विनीत अब नहीं है मीटिंग विनीत अब नहीं है मीटिंग में। 17 का ओसी क्या है यार, वो नहीं बताऊंगा मैं। वेदिका सही जवाब, आगे बढ़ो बेटा, 17 क्वेश्चन करिए। सो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, तू मुझे बताएगा तो मैं तेरे को बता दूंगा कि आंसर क्या आ रहा है। सोहम बेटा आपका ओपनिंग कैपिटल गलत आ रहा है, आप उसे ठीक करो, ढूंढो आपने बैंक को, सुन मुझे पता है तूने क्या कर रखा है, तूने बैंक को एसेट्स में डाल रखा है, घर एक क्रेडिट दे रखा है बैंक के सामने, तो ये लायबिलिटी में नहीं जाएगा, ये मैं बताना नहीं चाहता था, मैं चाहता था तू कुछ सोच, अब देख तू इतनी दूर है मेरे से तब भी मुझे पता है तूने क्या गलती करी, देख रहा है तू टेलीपैथी कैसा सा है मेरा, ठीक है चल कोई बात नहीं। रिद्धिमा आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्लीज गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18, क्या बात है रिद्धिमा आज तो फॉर्म में है बेटा, ठीक है। सोहम गलती मिल गई ना तेरे को, वंशिका बिल्कुल सही जवाब आपका, सर 17 का ओसी 5, नहीं 17 का ओपनिंग कैपिटल नहीं, अंश गलत जवाब आपका, मतलब बहुत ज्यादा गलत है, माफ कर, तो कर दिया बेटा, अंश तेरा सही आ रहा है। सोहम यस, रिद्धिमा थैंक यू,
अंश सही जवाब। भैया आज तो क्या क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाना ही आसान है। चलो बेटा जल्दी खत्म करो। माही भी गई। ओके ओपनिंग कैपिटल नहीं, प्रथम नहीं, प्रथम तेरा तो मतलब गलत आ रहा है, 1,000 रुपए का डिफरेंस है। तू देख प्रथम संस्कार नहीं बेटा, 12,000 तो कहीं से भी नहीं आ रहा, मतलब तू ध्यान से देख संस्कार एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर। सोहम तेरा सही है। मशीनरी है 8,000, एसेट्स में फर्नीचर है 2,000। मैं बात कर रहा हूँ भी संस्कार से और प्रथम से। मशीनरी 8,000, फर्नीचर 2,000, स्टॉक 7,000, डेटर्स 4,000, ये सब आपके एसेट्स में आ जाएंगे। लायबिलिटीज में बैंक आ जाएगा 200 रुपये और क्रेडिटर्स आ जाएंगे 5,000 रुपये। करके देखिए दोस्तों, दो सौ की लायबिलिटी क्रेडिट है इसके। एग्जैक्टली 200 लायबिलिटीज में क्रेडिट क्रेडिट दे रखा है, इसलिए संस्कार एंड प्रथम गलती मिली। संदेशा मैंने आपको बोल दिया था ना कि आपका आंसर सही है, जस्ट वेंट थ्रू कि आपने सही आंसर किया था। यस सर मिल गया। ओके बेटा अक्षत 14, नहीं अक्षत आपका गलत आ रहा है, 1,500 है आंसर। कैलकुलेशन चेक कर रखी आपने। जल्दी दोस्तों जल्दी से करिए। सही जवाब कृतिका आपका, करेक्ट आंसर कृतिका। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा रहे हो बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। संस्कार गलती मिल गई बेटा। सही जवाब स्वास्तिक। श्रिया जल्दी से बेटा, आपका आंसर नहीं आया बहुत देर से, आप हो ना क्लास में। श्रिया कहाँ गई? अरे श्रेय क्लास में ही नहीं है। अच्छा है तो कृतिका आपका सही जवाब, स्वास्तिक आपका सही जवाब। आगे बढ़िया बेटा। संस्कार आप है ना बेटा क्लास में, मतलब आपको मैंने 3-4 बार ही आपका नाम लिया था, आपको आपकी गलती मिल गई ना संस्कार। प्रथम प्रजना अभी तक जवाब नहीं आया बेटा काफी देर से। मृदुल सही जवाब, 4,900 कृतिका सही जवाब। अरे संस्कार मेरे लाल भाई, 8,000 है, मतलब मैं एसेट्स का बता रहा हूँ, 8,000, फर्नीचर है 2,000 का 10,000, स्टॉक है 7,000 का 17,000, और 17,000 में मैं 4,000 ऐड करूंगा तो 21,000, दूसरी साइड में 5,200, 21,000 में अगर मैं 5,200 माइनस करूंगा बेटा 15,800 आएगा। अब ये मैं क्या बताऊं तुझे इसमें, ठीक है मिल गई गलती। स्वास्थ्य सही जवाब। यस सर चल ठीक है। ओके फाइन गाइस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 17। आई बिलीव अब तक 11 सबका हो गया होगा। बात कमिटमेंट किए दोस्तों, जल्दी से मुझे जल्दी जल्दी करिए यार। कल 7 से 8 वाले बैच ने पता है यकीन मानो 50 में खत्म कर दिया, मतलब 50 मिनट में 3 क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। एक क्वेश्चन में 7-8 मिनट लगने चाहिए बस, इसमें जल्दी करिए, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है अभी। वाह 23 हो गए, 1 मिनट भाई जरा। ये वाला कोई गायब हो गया, आर्यन गायब हो गया, ये देखते रहो कि कौन गायब है कौन है। और श्रिया भी गायब हो गई, नाइस। सर अकाउंट्स में सबसे सभी
एडजस्टमेंट चैप्टर में बहुत कम कॉन्फिडेंस है तो स्वास्थ्य की यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना बेटा, दबा के प्रैक्टिस करो और क्या, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे बलाल, प्रैक्टिस करो खूब, जो क्वेश्चन जहां से मैं कह रहा हूँ मेरी बुक खत्म कर दे बहुत है। सुप्रिया सही जवाब आपका, ठीक है मेरी बुक खत्म कर दे बहुत है, ठीक है चलो सुप्रिया सही जवाब आपका, चलो 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 आगे बढ़ो बेटा, गाइस थोड़ा सा हल्का चल रहा है आज। सही जवाब सोहम आपका, क्वेश्चन रीडिंग करिए। मुझे यार कृतिका मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से यही जो आपने बोला है वो सही जवाब है, मुझे ध्यान नहीं है, आप बस प्रॉफिट तक कैलकुलेट कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। शायद आपने जो बोला वो सही है एकदम वैसे, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके 1 मिनट भाई, बहुत सारे आ गए। कृतिका ने बुका हो गया सर, क्लोजिंग कैपिटल 16,800 है, 17 का 16,800 है, 16,900 है, 16,900 है बेटा, अक्षत 16,900 है, मृदुल 16,900 सही है, चलो आगे बढ़ो, 16,900 इज द राइट आंसर। 11, 17 एंड 18, दैट्स इट दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वेदिका, संदिशा, अनुष्का, वंशिका, वंशिका बहुत देर से आपका जवाब नहीं आया बेटा, अनुष्का, वेदिका एंड संदिशा, मतलब सीरियसली आप यही आप लोग आप तीनों की कैपेसिटी है बेटा, मुझे तो लगा कि अब तक आप आज 5:30 बजे करके निकल जाओ, इतना आसान चैप्टर है ये, खत्म करो बेटा। देर आर अ लॉट, बस ऐसे 3 रैंडम नाम दे दिए, तीनों डीएलएफ नहीं है इसलिए। वेरी गुड अक्षरा, बिल्कुल सही है आपका, बहुत देर से अर्पित आंसर नहीं आया, अथर्व आंसर नहीं आ रहा, त्यागी जी आंसर नहीं आ रहा, हर्षव आंसर नहीं आ रहा बेटा, जपनूर आंसर नहीं आ रहा, प्रजना, प्रथम बहुत देर से आंसर नहीं आया भाई, बाकी सब तो जवाब दे रहे हैं, विदुषी बहुत देर से आंसर नहीं आया बेटा, सुप्रिया सही जवाब, जल्दी करिए दोस्तों। एग्जैक्टली अक्षत आपका सही है, 17th का ओपनिंग, प्रजना बिल्कुल सही है, प्रजना आपका 11th हो गया था बेटा, और प्रजना आपका 17th एकदम सही है, वेदिका 17th का आंसर आपका सही आ रहा है, आगे बढ़ो बेटा 18 क्वेश्चन जल्दी करिए। हाँ मतलब तुम्हें तो आज ना मुझे परेशान कर देना चाहिए था, मतलब इतने सारे बच्चे बैठे हैं आपको तो मुझे परेशान कर देना चाहिए था अभी तक। मृदुल किसका पूछ रहा है तू, पहली बात तो ये बता, डिस्कनेक्ट हो रहा था। 17th, नहीं भाई 17th का एक बार दोबारा कर। वंशिका, जितना मुझे ध्यान आ रहा है बेटा आपका अभी तक एकदम सही है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं वंशिका, आपने अभी तक जो करा है वो एकदम सही करा है बेटा। मृदुल आपका थोड़ा सा गलत आ रहा है भाई, 18th का ओसी 18, हाँ बेटा 18th का ओसी आपका रिद्धिमा सही है, कृतिका आपका भी सही है, प्रथम 13 भी 17th का एकदम सही जा रहा है, बीस हजार 400, ये क्या सुप्रिया किसका जवाब दे रही हो तुम, 18 का उसी, संस्कार तेरा सही है, अठारह उसी तेरा सही है, स्वास्थ्य आंसर, अनुष्का आपका सही है बेटा, आगे बढ़ो बेटा, वेरी गुड 18 करिए उसके बाद। जल्दी करो एवरीबॉडी जल्दी करो, सुप्रिया आपने किसका जवाब दिया है मुझे, 18 का ओ, नहीं, प्रजना गलत जवाब,
गलत जवाब प्रजना, गलत जवाब अक्षर, गलत जवाब अक्षत, जपनूर सही जवाब, का 170 रुपए का डिफरेंस है यार अक्षत। रिद्धिमान सही जवाब, वेदिका सही जवाब, वंशिका कितना आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? संदेशा आपने कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो मुझे, मतलब इज इट 17 और 18? स्वास्थ्य गलत जवाब, प्लास्टिकली गलत जवाब, संदेशा नहीं गलत जवाब, संदेशा संदेशा प्लीज टेल मी व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल मंथ्स। ठीक है वंशिका, आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 18 का? नहीं नहीं संदेशा, पहली बार तो आपने 21,000 लिखा है, वो क्या ओपनिंग है क्लोजिंग है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और 21,000 ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं है 21,000। आपने ओपनिंग, अरे बाकी सब रुक, आपने अरे नलायक बेटा, बैलेंस शीट का टोटल, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टोटल 21,000, उसमें से 5,200 माइनस करोगे तो 15,800 नहीं आएगा क्या संदेशा ब्रो? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? 15,800 सही है। क्लोजिंग कैपिटल बताओ बेटा जल्दी से। इन द मीन वाइल सोहम, सोहम कौन से सवाल का जवाब दे रहा है, क्या बोल रहा है तू, इतने सारे एसेट्स हैं तू 3,000 बोल रहा है भाई, गलत है सोहम। स्वास्थ्य सही जवाब, प्रथम सही जवाब, 1,600 सही जवाब, स्वास्थ्य 1,600 क्लोजिंग का सही जवाब, संदेश सही जवाब है 1,600। एक मिनट, मैं इतने सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, मैं खुद ही भूल गया क्या है, एक मिनट रुको, मुझे एक मिनट देखना है दूसरा। 8, 9, 10, 15, अच्छा डेप्रिसिएशन वगैरह भी तो है। रिद्धिमा आपका सही है, रिद्धिमा आपका सही है। अरे यार रिद्धिमा एक बात बताइए जरा, 17 क्वेश्चन का क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है? रिद्धिमा जल्दी से बताना 17 क्वेश्चन का क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है। अक्षत आपका गलत है बेटा, आपका बहुत गलत, 16,900। संदेश आपका 16,800 आ रहा है बेटा, वो 16,900 है, उसको एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, 16,900 है आपका गलत, आपका 16,800 आ रहा है, जस्ट चेक दैट। ओके सर, एक ईयर में कितने वीक होते हैं बेटा? 52 वीक्स होते हैं एक साल में दोस्तों, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, सही है सर। एक मिनट भाई, बहुत सारे हो गए तो रुको भाई। अक्षत तेरा गलत था, रिद्धिमा आपका सही है, अक्षत आपका दोबारा गलत है, रिद्धिमा ने वो सेंड किया था सर, मेरा सही है। हाँ वंशिक, वंशिका कितना सेंड किया था बेटा? वो बहुत ऊपर चला गया, प्लीज एक बार दोबारा मुझे सेंड कर दो। ओके 4,900, संदेश आपका सही है, जल्दी करिए दोस्तों। वंशिका आपका सही है, हाँ हाँ वंशिका आपका सही है, वो मैं थोड़ा, वंशिका आपका सही है, स्वास्थ्य का आपका सही है, संदेशा आपका सही था,
ओके, इससे पहले कि सबके सब भागे मैं बता देता हूँ यार, एक मिनट एवरीबॉडी, एक मिनट एवरीबॉडी यार, अगली क्लास से रिवीजन स्टार्ट कर लें एक बार, यस नो में जवाब दे दो। अगली क्लास से एक बार रिवीजन स्टार्ट कर लें। हाँ हाँ यार, ये तो करते रहना पहले, जल्दी बताओ, अगली क्लास से रिवीजन स्टार्ट कर लें। ठीक है, अब देखो बेटा रिवीजन में क्या होगा, मैं बताता हूँ तुम्हें, सुनो। देखो अभी भी ना इसमें दो चार पॉइंट्स हैं, दो चार पॉइंट्स हैं जो जिसमें तुम्हें दिक्कत हो सकती है। प्लीज एवरीबॉडी एक मिनट के लिए ध्यान दे दो यार, दो चार पॉइंट्स हैं अभी भी इस चैप्टर में जो तुम्हें दिक्कत दे सकता है, लेकिन वो यार हम लोग ना रिविजन के टाइम पर उसे पिकअप कर लेंगे, तो उसको अभी छोड़ो, या फिर कल इसका भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, फिर हम रिविजन करेंगे। मेरा रिविजन पैटर्न क्या है मैं बता देता हूँ, मैं आपको तकरीबन जैसे वी विल स्टार्ट विद रेक्टिफिकेशन, सुन लो वो बता देना। ओके ठीक है वेदिका, आपके एग्जाम में आपके सर तो खून चूसने वाले हैं, वो तो जरूर देंगे इसको। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीबॉडी, एवरीबॉडी प्लीज जस्ट गिव मी 5 मिनट सो दैट आई कैन टेल यू वट एवर इज देयर इन माई हेड। मुझे पता है कि आप में जैसे डीएलएफ में शायद जर्नल से सब कुछ आ रहा है, ठीक है, यस एक बार प्लीज मुझे यस तो में जवाब दे दो। कल मुझे वंश तो यही बता रहा था कि जर्नल से सब कुछ आ रहा है ना, और तुम लोग कुछ बोलते भी नहीं स्कूल वालों को। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, तो अब क्या सीन क्या है कि मैं आई स्टार्ट ऑफ विद रेक्टिफिकेशन, देन आई गो गो फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन आई गो फॉर फाइनल अकाउंट्स, एंड देन आई गो फॉर सिंगल एंट्री वन सेकेंड। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन वाला जो चक्कर है वो मैं आपको बता दूंगा कि वो सब आप कैसे देख सकते हैं, कैसे करोगे, वो सब उन सब का मैं आपको बता दूंगा, उसकी तुम लोग चिंता मत करो, वो मेरी हेडेक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, मेरे लिए रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए रिवीजन का मतलब है कि मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा और आपको वो वाला असाइनमेंट करना है। ठीक है, आई विल बी डूइंग, आई विल बी गिविंग यू द असाइनमेंट, और क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उस। ठीक है, जैसे हम लोग रेक्टिफिकेशन की अगर बात करें तो रेक्टिफिकेशन में जैसे हमारे पास चार वो थे तरीके थे, एक जर्नल की गलती, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट की गलती और इस टाइप की गलती, तो मैं एक ऐसा असाइनमेंट बनाऊंगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस आ जाएं। ऐसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैं एक ऐसा असाइनमेंट बनाऊंगा जिसके अंदर सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, एक फाइनल अकाउंट्स का एक ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस सारे एडजस्टमेंट्स आ जाए। ठीक है, तो एक इस टाइप का मैं असाइनमेंट बना के आपको सेंड करूंगा पर क्लास। इज इट क्लियर, एक बार यस नो में जवाब दे दो, इज इट क्लियर दोस्तों। मतलब वो कर लिया ना, इसका मतलब है कि भाई रिविजन हमारी खत्म हो गई, वो एक एक क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया इसका मतलब है रिविजन खत्म हो गई, यस और नो एवरीबॉडी। ठीक है, बस इतने ही है, ठीक है, नाइस, पक्का। उसके अलावा जिसको जो भी पर्सनली कुछ ऐसा है कि भाई मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है, सारी चीजें टेलीग्राम में हैं, पुराने वाले वीडियोस भी टेलीग्राम में, सब कुछ टेलीग्राम में है, आपको जो देखना है देखो। भाई अक्षत 2 मिनट के लिए रुक जा, भाई 2 मिनट के लिए रुक जा, अक्षत 2 मिनट के लिए रुक जा, ठीक है। और इसके अलावा जो जिसको जो भी प्रॉब्लम है प्लीज, डाउट्स नंबर है, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म जहां पर मैं आपकी वन ऑन वन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, दैट्स व्हाई डाउट्स नंबर का मैंने कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट करा है, ताकि इंडिविजुअल आपकी पर्सनल जो डाउट्स है वो मैं आपके वहीं पर सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो अक्षत, वेदिका, आपने कुछ पूछा था, स्वास्थ्य तूने भेज लो जी, एक और लंबा सा मैसेज आ गया। ठीक है जी, जिसको भी मुझसे कुछ पूछना है प्लीज, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म जहां पर मैं आपके पर्सनल डाउट सॉल्व कर सकता हूँ, फॉर दैट पर्पस डाउट्स नंबर है। प्लीज आई गेट डिस्ट्रैक्टेड जब मैं एक लंबा सा मैसेज देखता हूँ, एंड आई कांट हेल्प यू एज वेल। वेदिका सही जवाब, ठीक है, तो प्लीज प्लीज डाउट्स नंबर पुट एवरीथिंग देयर, आई विल जस्ट टेल यू द कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पर बोल के कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो डाउट्स नंबर उसी के लिए, प्लीज डाउट्स नंबर मुझे मुझसे जवाब मुझे मुझसे बात कर लीजिए, आई विल क्लियर अप एवरीथिंग। ठीक है, तो जिसका जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है भाई साहब, मतलब स्वास्थ्य इतनी बात करने के बाद भी तूने फिर भी तू रिप्लाई कर रहा है सर। स्वास्थ्य मुझे पता है तेरी डेटशीट मैंने देखी है भाई मुझे, ठीक है, ओके। तो आई बिलीव आप लोग के अंदर एक एग्जाम एंग्जाइटी आ रखी है, ठीक है, उसको तुम लोग रिलीव करो, जो दिक्कत परेशानी मुझे डाउट्स नंबर पे सेंड करो, वहां पर मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं सॉल्व करूँ। ठीक है अक्षरा, सही आंसर है, सही जवाब अक्षरा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मैसेज सेंड करवा दूंगा कि भाई क्या क्या आंसर है, किस किस के। 3960 सही जवाब है, इसका आंसर है बेटा 3960, इसका है 4900, और इसका आंसर था शायद कितना था, ये तो क्या सभी का हो ही गया था,
इसका आंसर भी कुछ था। ठीक है, अगली क्लास में रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर पूरा करके आना। अगले ओके, एक बार ओके बोल दो, अगली क्लास में रेक्टिफिकेशन पूरा करके आना, रेक्टिफिकेशन हम खत्म कर देंगे अगली क्लास। ओके ओके, नाइस नाइस। अब जिस बच्चे को जो मुझसे पूछना है वो डाउट नंबर पे अभी सेंड कर दो, मैं अभी जाके आपको रिप्लाई कर देता हूँ। स्वास्तिक था, उसके अलावा रिद्धिमा ने कुछ पूछा था मुझसे, मुझसे कुछ पूछा था वेदिका ने, और मुझसे कुछ पूछा था स्वास्तिक ने। पुट इन देयर, आई विल जस्ट सॉल्व इट। बाय दोस्तों, टेक केयर, सी यू अगली क्लास में रिविजन के साथ। मिलते हैं, बाय एवरीबॉडी।